हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे एक एएसटी बच्चे की पेरेंटिंग के बारे में। ये इतना आसान नहीं है, मैं जानती हूँ। बींग ए मदर, मैंने भी इन चीज़ों को फेस किया है कि जब आपका बच्चा एएसटी होता है तो प्रॉब्लम एक चैलेंज होता है आपके लिए कि किस तरह से हम आगे सिचुएशन में करेंगे। जब आपको पता चलता है कि आपके बच्चे को ऑटिज़म है, आपको बहुत से लोग राय देते हैं कि इस डॉक्टर के पास जाओ या उस पंडित के पास जाओ। मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि ऐसा मत कीजिए। ऐसा करके आप अपने बच्चे का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सबसे ज़रूरी है पहले आप अपने बच्चे को ठीक करने के लिए खुद से मेहनत करें। आज मेरा ये वीडियो इसी बारे में आपको गाइड करेगा कि किस तरह से आपको खुद से मेहनत करनी है अपने बच्चे को डेवलपमेंट के लिए। उसको हर तरह से वो सपोर्ट देना है कि उसे किसी तरह की कोई मुश्किल ना हो, ताकि वो आपके साथ में इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो जाए कि वो अपनी दुनिया से निकल कर आपके साथ में रहना चाहे और सोशली अवेयर हो। उसमें वो सभी स्किल्स धीरे धीरे आने शुरू हो जाएं और उसकी मुश्किलें कम होती जाएं और आगे चलकर वो इंडिपेंडेंट बन पाए। ये एक टारगेट और एक सोच मन में रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप नेगेटिव रहते हो, लोगों की थॉट्स ऐसी हैं कि कुछ लोग आपको कहेंगे कि ये तो श्राप है, इसको एक कर्स मान के मत चलिए। आपका बच्चा अगर एएसटी है, मान लीजिए कि ईश्वर ने आपको ये तोहफा दिया है और उस तोहफे को रिस्पेक्ट करना और उसे संवारना ये हमारा काम उन्होंने सौंपा है और हमें वो करना है, पूरी लगन के साथ करना है, बिना किसी डर के। लेकिन मन में ये एक विश्वास रखना है कि ईश्वर, आपने अगर मुझे ये बच्चा दिया है तो मुझे वो शक्ति देना, मुझे वो पेशेंस देना कि मैं इसके साथ में काम कर सकूं। यकीन कीजिए, ये मुश्किल तो ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, आपकी मुश्किलें धीरे धीरे कम होती जाएंगी और आप उसके बिहेवियर में चेंज देखेंगे, उसके कॉग्निशन में, उसके अंडरस्टैंडिंग, उसके कम्युनिकेशन में। ये सभी चीज़ें आपको धीरे धीरे दिखनी शुरू हो जाएंगी जब आप बच्चों के साथ में लगातार काम करते हैं। एक जो फर्स्ट चीज़ रहती है, सबसे पहले जो अफेक्ट होता है बच्चों का, वो होता है कम्युनिकेशन। गुरजोत जो है, गुरजोत को एएसटी के साथ में एडीएचडी भी है। ही हैज़ अप्रेक्सी ऑफ स्पीच, उसको अप्रेक्सी ऑफ स्पीच है, स्पीच को लेकर बहुत प्रॉब्लम है। साउंड को प्रोड्यूस करने में वो इमिटेट नहीं कर पाता है साउंड को। ये चीज़ जो है उसकी साउंड को प्रोड्यूस करने का जो उसकी नहीं वो नहीं कर पाता था, तो मेरे लिए ये था कि मेरे लिए स्पीच एक बहुत बड़ा चैलेंज थी उसके लिए, कि स्पीच मैं उसको कैसे सिखाऊं, उसको बोलना कैसे सिखाऊं, उसमें कम्युनिकेशन कैसे डेवलप करूं। क्योंकि अगर मैं उसमें कम्युनिकेशन डेवलप नहीं करती हूं तो उसके बिहेवियर्स और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। और यही हो रहा था कि जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, उसके बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, उसका अग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। उसमें ऐसे चैलेंजिंग बिहेवियर्स आ गए थे, बाइट करना, हिटिंग करना, खुद को मारना या फिर दीवार में ही अपना सिर मार देना, हिट कर देना गुस्से में। ये सब चीज़ें वो अक्सर करता था और लगातार स्टीमिंग करते रहना ये बिहेवियर था, किसी के साथ कनेक्ट नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि स्क्रीन टाइम में बच्चे बहुत लॉस होते हैं, लेकिन गुरजोत एक सेकंड भी स्क्रीन टाइम नहीं देखता था। उसे फ़ोन में, टीवी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, सिर्फ जो जिस चीज में उसको इंटरेस्ट था वो था इधर उधर दौड़ते रहना और लगातार अपने हाथों को स्टीम करते रहना, मुँह से आवाज़ निकालते रहना, लगातार साउंड निकालते रहना। लाइफ काफ़ी मुश्किल थी और ऐसे में ऐसा नहीं है कि मुझे डॉक्टर्स के बाद, जब मैं ऑटिज़म के बारे में नहीं जानती थी कि मेरे बच्चे को ऑटिज़म है, फिर भी मैं ऑटिज़म अगर मुझे पता भी चला था तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि ऑटिज़म क्या होता है। इतना ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, देखने में तो वो ठीक है। ये एक चीज़ को मन में लेकर चलती थी और मैं लगातार, मुझे ये था कि जो भी मुझे कोई बताता था मैं वैसा करने लग जाती थी। मुझे एक राइट स्ट्रेटजी नहीं पता थी, कोई गाइड करने वाला नहीं था कि एक एएसटी बच्चे के साथ में हमें कैसे काम करना है, उसकी पेरेंटिंग कैसे करनी है। लेकिन मुझे ये था कि मुझे खाली नहीं बैठना है, मुझे कुछ ना कुछ तो करते रहना। अगर और कुछ नहीं तो उसे बिठा कर वन वन ही लिखवा दूँ, ये कर दूँ, या जो भी मुझे कोई बताता था मैं ठीक वैसा करती थी। जब तक मैंने ये कोर्स नहीं किया था और जब तक मुझे ऑटिज़म की कोई नॉलेज नहीं थी, उस टाइम पर नेट पर भी ये चीज़ें इतनी नहीं थी कि मुझे कहीं से कोई गाइडेंस मिल जाती या मुझे पता चलता कि मुझे अपने बेटे के साथ में क्या करना है और एक्चुअली ऑटिज़म क्या है, ये चीज़ें समझ में नहीं थी। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं मेहनत करती गई, लेकिन अगर मुझे राइट डायरेक्शन उस टाइम पर नहीं पता थी, थैंक टू, मैं यहाँ पर थैंक्स कहना चाहूँगी सोना मैम को स्पेशली, जिन्होंने मुझे गाइड किया प्रॉपर कि मुझे किस तरह से अपने बेटे के साथ में काम स्टार्ट करना है। उन्होंने मुझे एक दिशा दिखा दी। उसके बाद फिर जब मैंने कोर्स किया तो मुझे और कई चीज़ें पता चली जो मैं अपने बच्चे के लिए कर सकती थी। गुरजोत उस वक्त 8 साल का हो चुका था जब मैंने उसके साथ में काम स्टार्ट किया। उसको कोई स्कूल लेना नहीं चाहता था, इवन कि स्पेशल स्कूल वाले भी उसे रिजेक्ट कर देते थे ये कहकर कि आपका बच्चा बैठता ही नहीं है।
हमें ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जिसके पीछे हमें दौड़ना पड़े, मैं इसके पीछे दौड़ूंगा या फिर मैं बाकी बच्चों को देखूंगा। ये एक चीज़ टीचर का ये रहता था। और मेरे लिए था कि अगर कोई स्कूल मेरे बच्चे को, इवन कि स्पेशल स्कूल भी अगर मेरे बच्चे को नहीं ले रहा है, तो मुझे अपने बच्चे के लिए खुद ही स्कूल बनाना है। इसीलिए मैंने ये कोर्स किया और बच्चों के लिए, जिन बच्चों को ऑटिज़म है, उनके लिए एक स्कूल स्टार्ट किया कि मुझे इन बच्चों के लिए कुछ करना है, उसके साथ अपने बेटे के लिए, क्योंकि अपने बेटे को लेकर ध्यान में रख कर मैंने ये स्कूल स्टार्ट किया। और मेरे बेटे की तरह कई बच्चे होंगे जिन्हें स्कूल रिजेक्ट करते होंगे, तो उनको भी मैं चाहती हूँ कि वो सपोर्ट दे पाऊँ जितनी मैं दे सकती हूँ। और ये एक चीज़ मन में थी कि मुझे करना है, और रास्ते ईश्वर आपको खुद दिखाता है। अगर आप मन में सोच लेते हैं कोई चीज़ मन में कि मुझे ये करनी है, तो ईश्वर आपका साथ ज़रूर देते हैं। और ये चीज़ें मेरे साथ हुई, मैंने भी जो चीज़ सोची और वो धीरे धीरे मैंने उन सपनों को पूरा होते हुए देखा। गुरजोत जब बहुत छोटा था तो उसमें काफ़ी बिहेवियर्स थे, कम्युनिकेशन नहीं था और कॉग्निशन जो था उसका वो भी कम था, उसको मॉडरेट टू सीवियर ऑटिज़म डायग्नोस हुआ था। ऐसे में मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था उस सिचुएशन से निकल पाना, लेकिन मैंने कोशिश नहीं छोड़ी। जैसे भी हो, जो भी हो, मैं काम करती रही उसके साथ में। मुझे था कि किसी तरह वो मुझे नोटिस करना शुरू करे, लेकिन उसका रिस्पांस काफ़ी कम रहता था, 10%। और फिर भी मैंने हार नहीं मानी और मैं लगातार काम करती रही। कोर्स करने के बाद मुझे सही समझ में आया कि मुझे किस तरह से अपने बेटे के साथ में काम करना है, और जो स्ट्रेटेजीज मैंने अपने बेटे के साथ की पिछले 10 सालों में, वही स्ट्रेटेजीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरजोत जब 6-8 साल का था, मैंने उसके साथ प्रॉपर काम शुरू किया था, और आज वो 18 का हो चुका है, और मैं उसमें पिछले 10 सालों में बहुत इम्प्रूवमेंट देखती हूँ। मैंने उन एरियाज पर काम किया जहाँ मुझे लगता था उसके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो चीज़ होती है कि विजुअल बच्चों को देना, विजुअल्स की हेल्प से आप बच्चों को बहुत चीज़ें सिखा सकते हैं। वर्बली आपकी बात बच्चे नहीं समझते हैं, मेरी वर्कशीट्स आपको हेल्प करती हैं। इसी वजह से उन पेरेंट्स को हेल्प मिल सके, इसी वजह से मेरा ये टारगेट था कि मुझे मैगजीन उन पेरेंट्स को हेल्प करने के लिए, एक मदद करने के लिए मुझे एक ऐसी चीज़ चाहिए जो मैं पेरेंट्स तक पहुंचा सकूं, ताकि वो खुद थेरेपिस्ट बन सकें। अगर कोई थेरेपिस्ट उन बच्चों के साथ काम नहीं कर रहा है या प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो वो खुद बच्चों को सिखा सके कि किस तरह से उन्हें बातों को समझना है, उनमें कम्युनिकेशन को कैसे डेवलप करना है। कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए मैंने मैगजीन को स्टार्ट किया। मैगजीन में ना सिर्फ मैंने कम्युनिकेशन, जो मैं गुरजोत के साथ करती रही हूँ वर्कशीट्स पिछले 10 साल में, मैंने उसके साथ वर्कशीट्स ज़्यादा की हैं, और मैंने देखा है उनका रिजल्ट कि उसमें कितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आई है। क्योंकि वो बोलता नहीं है, लेकिन वो समझता बहुत ज़्यादा है। उसकी समझ में, उसकी अंडरस्टैंडिंग में, उसके सोशली जो उसका है, दूसरों को समझाना, एक्सप्रेस करना, वो काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट मैंने देखी, जिसकी वजह से उसके बिहेवियर इश्यूज काफ़ी कम हो गए। तो बीइंग ए पेरेंट, हमारा सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है वो होता है बच्चे के कम्युनिकेशन पर काम करना। कम्युनिकेशन में इम्पेयरमेंट होना, चाहे आपका बच्चा वर्बल है नॉन वर्बल है, उसकी अंडरस्टैंडिंग पर काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है आप विजुअल्स को यूज़ करें। जितना आप मैक्सिमम विजुअल्स को यूज़ करते हैं, उतना आप बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पर बेहतर काम करते हैं। अब मैं बात करूँगी कि कम्युनिकेशन सिखाने के लिए, उसको बेसिक कम्युनिकेशन सिखाने के लिए बहुत ज़रूरी था। पहले तो आप सबसे पहले बच्चे के बेसिक कम्युनिकेशन पर काम कीजिए, उसे रोटी पानी टॉयलेट ये सब बेसिक नीड्स बच्चे को सिखानी बहुत ज़रूरी है, ताकि कम से कम बच्चा अपनी बेसिक नीड्स को आपको बता सके। क्योंकि इनके पूरा ना होने पर बच्चों में अक्सर अग्रेसिव बिहेवियर्स आते हैं, सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर्स आते हैं, तो हमें पहले इन पर काम करना ज़रूरी है। बच्चे को लगातार जब भी आप खाना देने वाले हैं, उसे खाने की पिक्चर देने को बोलिए और साथ में रोटी बोलिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर बच्चा नॉन वर्बल हो, बच्चे आपको देखकर भी बोलना सीख जाते हैं। तो ये एक चीज़ कि जब भी आप उसको कुछ देने वाले हैं, 3 बार उस चीज़ का नाम ज़रूर बुलाएं, ताकि बच्चे के दिमाग में वो चीज़ फीड हो जाए कि इसको क्या कहना है। क्योंकि बच्चे अक्सर जानते ही नहीं कि किसी चीज़ को किस तरह से मांगना है या उसे क्या कहना है। जब आपके बच्चे को ESD होता है, तो सबसे बड़ा कंसर्न रहता है बच्चों को सोशल कम्युनिकेशन सिखाना। सोशली बच्चे काफ़ी डिसकनेक्ट रहते हैं। गुरजोत लोगों को देखता नहीं था, इसलिए मैंने वर्कशीट्स का सहारा लिया, उन पिक्चर्स का सहारा लिया, जिससे मैं उसे उन कॉन्सेप्ट को समझा सकूं, सोशल रूल्स समझा सकूं कि किस तरह से सोसाइटी में उसे बिहेव करना है, कौन से बिहेवियर जो नहीं करने चाहिए, कौन से हैं जो अच्छे बिहेवियर होते हैं, ताकि उसके बिहेवियर को सुधारा जा सके। बच्चे की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना उसे आना चाहिए कि किस तरह से उसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर उसके काम करना है, कि किस तरह से अपनी फीलिंग्स उसे बतानी है और किस तरह से उसे खुद को कोप करना है डिफरेंट सिचुएशन में। ये सब चीज़ें सिखानी बहुत ज़रूरी हैं। आपको नॉर्मल टीचिंग मेथड से बच्चे नहीं सीखते हैं, इसीलिए आपको कम्युनिकेशन बच्चों को एक अलग तरीके से सिखाना पड़ता है, क्योंकि उनका ब्रेन अलग तरीके से काम करता है।
अब मैं बात करूंगी कि बिहेवियर के बारे में। गुरजोत के बिहेवियर्स काफ़ी ज़्यादा थे, सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा थे। सेल्फ इंजूरियस में अगर मैं बात करूँ हेड बैंगिंग की या फिर हिटिंग की, इतना ज़्यादा अग्रेशन, ये चीज़ें जो थी धीरे धीरे जब मैंने देखा कि ना सिर्फ ये सेंसिटिव नहीं था कि मुझे लगता था कि सेंसी की वजह से वो ऐसा करता है, और वो एक हाइपर एक्टिव चाइल्ड है और लगातार वो मूव करना उसको पसंद है, लेकिन धीरे धीरे उसमें ये चीज़ें कम होनी शुरू हुई। जैसे वो इतना तेज़ गति से भागता था और चीज़ों से टकराता था, वो बम्पिंग कम हुई उसमें कुछ, उसको हैंड्स की एक्टिविटीज़ देना, क्योंकि उसकी स्टीमिंग बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा थे, उसका हिटिंग का बिहेवियर ज़्यादा था, तो मैंने उसको पंचिंग बैग दिया कि उसमें वो हिट करे, ताकि उसको वो सेंसे अगर नीड है तो सेंसे का भी मैं उसको कर सकूं। अगर बिहेवियर मॉडिफिकेशन, जब वो मारता था तो मैं उसके हाथ को ऐसे पकड़ लेती थी यहाँ से रिस्ट से कि वो मारे ना, ये चीज़ों ने भी काफ़ी हेल्प की। चीज़ों को गिराता था तो मैं उसी से उठवाती थी कि उठाओ ये ग्लास आपने गिराया है, चाहे वो रो रहा है चिल्ला रहा है, मैंने कभी इस चीज़ को नहीं देखा। मुझे था कि मुझे आज अगर मैं करेक्ट नहीं करूँगी तो कल मेरे लिए ये मुश्किल और बढ़ जाएगी, और मैंने लगातार इस बिहेवियर पर काम करती रही कंसिस्टेंट होकर। जब आप कंसिस्टेंट होकर किसी चीज़ पर काम करते हैं तो सफलता आपको ज़रूर मिलती है। आज वो काफ़ी ठहराव मैं उसमें देखती हूँ, वो बैठता है तो अच्छे से सीटिंग देता है, चाहे मैं 3 या 4 घंटे उसको बिठा लूँ, और ये वही बच्चा है जो 5 मिनट की सीटिंग भी नहीं देता था किसी वक्त पर। तो आपको सोचिए कि कितना ज़्यादा चेंज आता है जब हम बच्चों के साथ काम कर लेते हैं, क्योंकि हार मान लेना तो कोई सलूशन नहीं है, हमें जो भी सिचुएशन है जैसी भी है उसका फेस तो करना है और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना है। अब मैं बात करूँगी कि सेंसरी इंटीग्रेशन का क्या रोल रहा गुरजोत के, उसको उसके डेवलपमेंट में या उसके सीखने में, क्योंकि उसको सेंसरी इश्यूज बहुत ज़्यादा थे। स्टीमिंग के बिहेवियर्स, वर्बल स्टीमिंग के लिए मैंने चीयू ट्यूब उसको दी, मैं माउथिंग के बिहेवियर्स ज़्यादा थे उसके बहुत, उनको भी मैंने कम किया कि मैं उसको कोई कड़वी चीज़, उसको स्पिटिंग के बिहेवियर उसका डेवलप हुए तो मैंने कड़वी चीज़ उसके मुंह में लगानी शुरू की टंग पर, जिससे कि उसको ये स्पिटिंग के बिहेवियर्स उसके कम हो सके या माउथिंग के बिहेवियर्स उसके कम हो सके, और ये हुए भी। एएसटी में बच्चों को अक्सर सेंसरी नीड्स होती हैं। ऐसे में अगर आपका बच्चा हाइपर है तो उसे प्रेशर देना बहुत ज़रूरी है, बॉल के साथ या पिलो के साथ दिया जा सकता है, और उसकी फिजिकल एनर्जी को बर्न करना ज़रूरी है ताकि बच्चे हाइपर कम रहें। इसके साथ ही हैवी वर्क एक्टिविटीज़ करवाना, चाहे फर्नीचर है उसे ही उठवाना या हैवी बैग को कैरी करना, इसके साथ ही बैलेंस पर काम करना ज़रूरी है। ईंटों के साथ मैं उसको बैलेंस पर उसके काम करती थी, उस पर चलवाती थी। इसके साथ एनिमल वॉक्स ने भी काफ़ी हेल्प की उसकी हाइपर एक्टिविटी और हैंड फ्लैपिंग की इशूज़ को कम करने में। दूसरी चीज़ है कि साथ साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग पे भी काम करती रही मैं हमेशा वर्कशीट लेती रहती थी ताकि उसको अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप हो। मैं पिक्चर्स को लेती थी, उससे बातें करती थी उसके बारे में, पिक्चर्स उसको समझाने की कोशिश करती थी। मैं नहीं जानती थी कि वो समझता है या नहीं है, लेकिन मैं लगातार कोशिश करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो समझने लगा, ध्यान देने लगा, पहले नहीं देता था। ये चीज़ें धीरे धीरे उसकी लैंग्वेज इतना डेवलप हो चुकी है कि वो चीज़ों के आंसर मुझे टाइप करके बताना शुरू कर रहा है या पढ़कर मुझे बता देता है। क्योंकि अगर आपका बच्चा बोल नहीं पा रहा है और लिख नहीं पा रहा है तब लाइफ काफ़ी मुश्किल हो जाती है कि बच्चा खुद को किस तरह से एक्सप्रेस करे। गुरजोत के फाइन मोटर इशूज़ इतने ज़्यादा थे कि लिखने में उसको बहुत डिफ़िकल्टी है, और इसके साथ ही उसको अप्रेक्सी ऑफ स्पीच है जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाता है। और इन डिफ़िकल्टीज़ के चलते मेरे लिए ज़रूरी था कोई ऐसी चीज़ को ढूंढना, कोई ऐसा अल्टरनेटिव ढूंढना जिससे मैं बच्चे को कम्युनिकेशन सिखा सकूं। आईपैड की वजह से मैंने उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप किया। वर्कशीट्स ने मेरी बड़ी हेल्प की, वर्कशीट्स मैं उसे देती थी, दिखाती थी, ये देखो इसमें क्या है, येस नो, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो मैंने उसे वर्कशीट्स के साथ में सिखाई, और आज वो सभी चीज़ें समझता है। ये सब चीज़ें तभी डेवलप हुई हैं जब मैंने उसके कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया। बिलीव मी, आपको चीज़ें हेल्प करती हैं जब आप बच्चों के साथ में काम करते हैं, इन चीज़ों को एक माध्यम बनाते हैं, क्योंकि कई बार हमें समझ नहीं आता बच्चे के साथ काम कैसे करें, कि हम नहीं जानते हैं कि क्या चीज़ है कि बच्चा में देखे, लेकिन वर्कशीट्स एक ऐसा जरिया रहती हैं, पहले टॉयस उसके बाद धीरे धीरे वो चीज़ें वर्कशीट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, कि वर्कशीट्स को हम जैसे जैसे आपके बच्चे का लेवल बढ़ता है, 2-3 साल का भी आपका बच्चा हो चुका है तो वर्कशीट्स उसको हेल्प करती हैं, क्योंकि बच्चा तस्वीरों को समझना शुरू कर देता है, पिक्चर्स को समझना शुरू कर देता है। जितना जल्दी वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा उतना ही उसके स्पीच के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितना उसके रिसेप्टिव लैंग्वेज पर आप काम कर रहे हैं उतना एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके साथ ही उसके प्री राइटिंग स्किल्स पर काम किया मैंने। ऐसा नहीं है कि गुरजोत बिल्कुल नहीं लिख पाता, वो अपना नाम लिख लेता है। उसके एजुकेशन के वाइज में देखूँ तो मैंने, मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स उसके इतने ज़्यादा हैं कि मैथ्स की अगर कोई बात हो या मैथमेटिकल स्किल्स में भी वो काफ़ी अच्छा है। बात करूँगी सेंसरी इंटीग्रेशन की, सेंसरी इंटीग्रेशन
थेरेपी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके बच्चे को ASD है तो 90% तक चांसेस होते हैं बच्चे को सेंसी इश्यूज़ होने के। सेंसी इश्यूज़ अगर बच्चे में है तो उसको ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चे को सेंसी इंटीग्रेशन देना। हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए, गुरजोत हाइपर एक्टिव चाइल्ड है तो उसको मैं लगातार प्रेशर देती थी, बॉल के साथ में प्रेशर देना या उसे वाइब्रेशन देना या उसे कुछ ऐसा इनपुट देना, मसाज देना, ये चीज़ें उसको शांत करती हैं। वो अपने आप से मुझे बताने लग गया है कि उसे क्या चाहिए या वो कैसा फील कर रहा है। अपनी हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बताना, अपने खाने की चीज़ें बताना, अपनी डेली नीड्स वो मुझे इजीली बता पाता है। ये सब चीज़ें तभी वो सीख पाया है जब मैंने उसकी अंडरस्टैंडिंग पे काम किया है। उसके बिहेवियर्स भी तभी कम हुए। लोग अक्सर चेक कहते हैं कि मेरे बच्चे का ये बिहेवियर है। बिहेवियर को कम करने की जो मेन की है वो है उसकी अंडरस्टैंडिंग। आप उसकी अंडरस्टैंडिंग पे काम कीजिए। मॉडिफिकेशन तो आप करेंगे ही, लेकिन साथ में ज़रूरी है उसकी अंडरस्टैंडिंग पे काम करना। जैसे जैसे आपका बच्चा अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है तो वैसे वैसे उसके बिहेवियर्स भी रिड्यूस होने लगते हैं। आपका पॉजिटिव रहना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि बच्चे आपको देखकर सीखते हैं आप उनके साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। बच्चे वही चीज़ें सीखते हैं। याद रखिए कि ऑटिज्म में बच्चे एक मिट्टी के बर्तन की तरह हैं, जिस तरह से आप उन्हें ढालोगे वो ढल जाएंगे। डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह से उन्हें बिहेव करना है, अपने दोस्तों के तरह के साथ में किस तरह से बिहेव करना है या किस तरह से उन्हें खेलना है, ये सब चीज़ें बच्चों को सिखानी ज़रूरी हैं। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए। इसके साथ ही उनके इंडिपेंडेंट होने पर काम करना, उन्हें एरिया सिखाना, उन पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो इंडिपेंडेंट हो पाएं। ये मुझे आज भी याद है कि जब मैं गुरजोत को पहली बार उसके IQ के टेस्ट के लिए लेकर गई थी तो उसको साइकोलॉजिस्ट थी उन्होंने पूछा था कि फ़ैन कहाँ पर है। मुझे पता था कि मेरा बेटा ना तो पॉइंट कर सकता है और ना ही वो बोलकर बता सकता है, तो वो कैसे बताएगा। इवन इफ चाहे उसको पता भी होगा लेकिन वो नहीं बता पाएगा। उसने कुछ नहीं बताया, IQ उन्होंने अपने हिसाब से दे दिया। लेकिन मैं कभी डीमोटिवेट नहीं हुई, मैंने कभी IQ को देखा नहीं और उसके बाद कभी मैंने उसका IQ टेस्ट नहीं करवाया। मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मैं जानती थी कि इन चीज़ों का मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि मेरा बच्चा कितना अंडरस्टैंड करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग से मुझे फ़र्क पड़ना चाहिए। IQ लेवल क्या देता है कोई, मुझे उन पॉइंट से कोई फ़र्क नहीं है। मुझे किसी को दिखाना नहीं है, मुझे सिर्फ उनको देखना है कि मेरा बच्चा कितना कंफर्टेबल है, उसके बिहेवियर्स में कितना कमी आई है, जो उसके सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर थे या जो उसके चैलेंजिंग बिहेवियर्स थे, उसकी लर्निंग कितनी बड़ी है। जैसे जैसे वो सीखता जाता है IQ अपने आप बढ़ रहा है, उसका ग्राफ बढ़ रहा है, मैं जानती हूँ ये चीज़। लेकिन मैंने कभी IQ टेस्ट नहीं करवाया क्योंकि ASD में कभी भी IQ रिलायबल नहीं होता है। कॉग्निशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बच्चे बहुत कुछ जानते हैं शायद, लेकिन वो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का IQ का ग्राफ या स्कोरिंग बिल्कुल कम रहती है और इस वजह से भी पेरेंट्स डीमोटिवेट होते हैं। इसीलिए मैं कहूँगी कि बीइंग ए पेरेंट मैं ये चीज़ कहूँगी कि आप इन चीज़ों को मत देखिए जो आपको डीमोटिवेट करती हैं। आपने मन में हमेशा पॉजिटिविटी लेकर ही चलना है कि जो चीज़ें हैं, जो हालात हैं, वो बदलेंगे। आजकल अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है कि 2 या 3 साल में पेरेंट्स को पता लगना शुरू हो जाता है कि बच्चे को ASD के सिम्टम्स हैं। उसी टाइम पर आप बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन करवाइए, बच्चे को फैसिलिटीज़ दीजिए, बच्चे के अंडरस्टैंडिंग पर काम कीजिए, उसके कम्युनिकेशन पर काम कीजिए। डेफिनेटली बच्चों में रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं और यही एक वजह है कि आजकल रिकवरी के केसेस ज़्यादा देखने को मिलने लगी हैं। मुझे पेपर्स पर कुछ नहीं चाहिए कि मुझे कोई मुझे लिख कर दे कि आपके बेटे ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं या वो इस क्लास में फर्स्ट आया है या उसने ये क्लास पास कर ली है। मेरे लिए ज़रूरी है उसका ज़िंदगी के इम्तिहान को पास करना कि उसे आगे कोई मुश्किल ना हो और वो इंडिपेंडेंट बन पाए। क्योंकि जिस हिसाब से उसकी कंडीशन थी मुझे बहुत मुश्किल लगता था वो चीज़ें, जो आज मैं उसमें देख रही हूँ चेंजेस, बहुत चेंजेस हैं उसमें और आगे आने वाले टाइम में उसकी लाइफ और बेटर होगी। और मेरी ये मुझे उम्मीद है और मैं इन चीज़ों को मानकर चलती हूँ कि अगर आप पॉजिटिविटी का साथ नहीं छोड़ते हैं और एफर्ट्स करते रहते हैं और ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो आपकी मदद ज़रूर करते हैं। बीइंग ए मदर मेरा ये मैसेज है आप सबके लिए, पेरेंट्स के लिए, कि कभी हार मत मानिए। कुछ भी है, ASD है, मत सोचिए कि ये ठीक नहीं हो सकता है। मन में पॉजिटिविटी लेकर चलिए क्योंकि वो वही चीज़ है जो एक हीलिंग पावर का काम करती है आपके बच्चे के लिए। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा अपने बच्चों के इश्यूज़ को समझने में और उन्हें सही तरह से ट्रीट करने में और उनकी सही से पेरेंटिंग करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।